वोडाफोन के मैनेजमेंट ने फैसला लिया है कि आने वाले 3 सालों में कंपनी 11,000 कर्मचारियों के रोल खत्म कर देगी। इसका मतलब साफ है कि आने वाले 3 सालों में कंपनी कर्मचारियों की छटनी करेगी। कंपनी के बॉस मार्गरेटा डेला वाले ने कहा है कि कंपनी को सिंप्लीफाई यानी आसान बनाने के लिए 11,000 लोगों को हटाया जाएगा। उनका यह भी कहना है कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर में कंपनी को मुनाफा या तो नहीं होगा या फिर कम होगा। कंपनी का कहना है कि जर्मनी, जहां पर कंपनी का सबसे ज्यादा बाजार है, वहां पर कंपनी कम परफॉर्म कर रही है। यहां पर कंपनी 1.3% के घाटे में जाते हुए दिख रही है। कंपनी का कहना है कि इसका कारण भी बढ़ा हुआ एनर्जी कॉस्ट है। मार्च में खत्म होने वाले साल में कंपनी की कुल आय 14.7 बिलियन यूरो होने की उम्मीद है। वहीं कंपनी को अफ्रीका में हैंडसेट की बढ़ी हुई बिक्री का लाभ मिलता दिख रहा है, जहां पर रेवेन्यू में 0.3% की वृद्धि दिख रही है। यहां करीब 45.7 बिलियन यूरो की कमाई होती दिख रही है। पिछले महीने कंपनी की बागडोर संभालने वाली मार्गरेटा का कहना है कि हमारी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रही है। मार्गरेटा ने कहा कि उनकी प्राथमिकताओं में ग्राहक ग्रोथ और सिंप्लिसिटी है। हम संस्थान को सिंप्लीफाई करेंगे। इससे पहले खबर थी कि जर्मनी में कंपनी ने कुल 1300 कर्मचारियों की छटनी भी की थी।